दिस इज द अल्टीमेट पैकेज। गाइस इस मांझे की जो धार निकल के आई है ना, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अफसर का स्टॉक था वो ऑलमोस्ट स्टॉक आउट हो चुका है भाई आते ही। उसके अराउंड ज्यादा पीसेस आए भी नहीं थे, मतलब लिमिटेड आए थे, लेकिन वो आते ही स्टॉक आउट हो गए। बाकी गाइस आप लोगों का काइटिज्म पे अभी से इतना ट्रिमेंडस सपोर्ट है, होप करता हूँ आप सबने पतंग उड़ाना शुरू कर दोगे। और मैं दिल्ली वाले भाइयों से सबसे अपील करता हूँ, भाई पतंग उड़ाना शुरू कर दो ताकि हमारे एरिया में पतंग उड़े और हम भी उड़ा पाए पतंग। तो गाइस फटाफट मैं आपको दिखाता हूँ क्या बोलते हैं उसको, सॉरी मैं भूल गया यार, मैं टेक्निकल गुरु जी ना अनबॉक्सिंग करने की मेरे को आदत नहीं है। तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ अपना कट्टा। गाइस दिस इज द अल्टीमेट पैकेज। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा ये रही चरखड़ियाँ, और इसको करते हैं फटाफट अनबॉक्स। पहले मैं अपने ट्राईपॉड को किसी ऐसी जगह लाऊं जहाँ से आप मुझे देख सको। तो गाइस ये देख सकते हो कितना बड़ा पैकेज है, इसके अंदर क्वांटिटी भी बताऊंगा मैं आपको कितनी आई है। बाकी गाइस फटाफट करते हैं इसको अनबॉक्स। फाइनली इस पैकेज को अनबॉक्स करने वाले हैं। तो बेसिकली जिस दिन मैं इसको लेकर आया था लास्ट व्लॉग में, चांदनी चौक वाले व्लॉग में, तब से मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ है और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था इसको अनबॉक्स करने के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था शूट करने का, तो यही रीजन था मैंने इसको अनबॉक्स नहीं किया। और अब इसको खोल के देखते हैं कि भाई इसके अंदर क्या आया है। उसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे अपना औजार जो कि हमारा कटर। तो ये देख सकते हो पैकिंग कैसे बिल्कुल नाड़ा लगा रखा है, उसके ऊपर कट्टा है, फिर कार्डबोर्ड है, देन मांझा। तो इसको देखते हैं कहाँ से खुलेगा ये, पहले ट्राई करते हैं इसकी सीधा गांठे ही खुल जाए, नहीं तो इसको हम काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा गांठें बांधी हुई हैं। चलो गाइस वीडियो को लंबा नहीं करते, कंट्रोल कंट्रोल, तुम्हें पता ही है कंट्रोल नहीं होता भाई हमसे बिल्कुल भी, और इतना वेट हम नहीं कर सकते पूरा। और इसको हम खोलेंगे तेजी में, कहां से खुलेगा ये, टेक्निकल गुरु जी। ओ, नीचे ही मान जाए भाई, वो कट सकता था भाई। भाई ये नजारा भी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको वहां उस एंगल से दिख नहीं रहा होगा लेकिन मुझे इस एंगल से दिख रहा है भाई साहब। गाइस इस मांझे की पूरी डिटेल में दूंगा, वीडियो आखिर तक बने रहना। कश्मीरी एप्पल। गाइस ये रहा फाइनली हमारा मांझा जो है निंजा थर्ड डिग्री टॉर्चर्स। बाकी ये हमने क्या लिखा हुआ है, अपग्रेडेड वेपन टूर्नामेंट क्वालिटी मांझा। चलो ये सब तो मैं आपको डिटेल बता दूं, लेकिन आपको बता दूं निंजा मांझा जो हमने लास्ट ईयर मंगाया था ये उसका अपग्रेडेड वर्जन है। तो गाइस इसका ऑर्डर मैंने पहले ही दे दिया था और अब जाके ये आया है, और अब देख सकते हो क्वालिटी इसकी। खोल के दिखाता हूँ सारे, पहले एक बार इसको फटाफट हम अनबॉक्स करके यहाँ रख दें। तो गाइस स्टॉक चेक कर सकते हो भाई साहब कितना अल्टीमेट लग रहा है ये, और कितने हैं टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12। तो गाइस टोटल 12 चरखड़े आए हैं ये, और ये चरखड़ी की डिज़ाइन देखो आप भाई कितना प्रीमियम लग रहा है। और 6 ये वाली चरखड़ी है और 6 आपको मिलेंगी ये वाली, ये भी अच्छी लग रही है मेरे को, ये वाली ज़्यादा पसंद आई। आई डोंट लाइक ऐसा डिज़ाइन वाली, बट काफ़ी लोग इसको प्रेफर करते हैं। बाकी भाई इस सारे मांझे हमने ब्लैक कलर के बनवाए हैं, आप देख सकते हो सारे ही, देखो यहाँ से दिख रहा होगा ना ये जो कट रखा है, तो सारे ही ब्लैक कलर के हैं। आपको मैं एक ओपन करके दिखाऊंगा क्वालिटी के लिए, बाकी आप देख सकते हो कितना अल्टीमेट लग रहा है नज़ारा। तो गाइस द मोमेंट ऑफ ट्रुथ जिसका मैं वेट कर रहा था, मुझे भी मांझे की क्वालिटी चेक करनी थी कि इस बार किस तरीके का मांझा बन के आया है। अगर मांझा अच्छा आया तो बहुत बढ़िया, अगर मांझे में थोड़ी सी भी कमी लगी तो इसको हम चेंज करा के अपडेट कराएंगे। बाकी चलो गाइस फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और चेक करते हैं मांझे की क्वालिटी। तो गाइस फाइनली इस मांझे को हम अनबॉक्स करने वाले हैं और देखने वाले हैं इस मांझे की इस बार कैसी क्वालिटी बन के आई है। लास्ट ईयर से हमने और इम्प्रूव करने की कोशिश करी है, तो लेट्स सी इसके अंदर क्या निकलने वाला है। तो इस तरीके की कोई इसकी पैकेजिंग है और मैं आपको एक बार इसको खोल के दिखा देता हूं।
तो सबसे पहले गाइस इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, अपडेट कर दिया है, यहाँ पे जोकर लगा दिया है और निंजा 3rd डिग्री टॉर्चर का, इस तरीके का आपको कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये रहा कुछ इसका पोस्टर। अब डायरेक्ट मांझे की बात करते हैं। सबसे पहले मैं मांझे का टेक्सचर देख रहा हूँ, टेक्सचर जो कि बहुत अल्टीमेट निकल के आ रहा है। तो गाइस सारे मांझे हमने ब्लैक कलर के ही मंगवाए हैं और ये देख सकते हो आप हैमर का स्टिकर भी है यहाँ पे। बाकी गाइस अब फटाफट इस मांझे को खोलते हैं और इसकी लेते हैं फील की किस तरीके की डोर निकल के आई है। सबसे पहले द छल्ला टेस्ट, भाई छल्ले परफेक्ट बन रहे हैं भाई साहब। गाइस मैं आपको कह रहा था ना, इस बार हमने इम्प्रूव करवाने की कोशिश करी है, तो इस बार सच में इम्प्रूवमेंट हुई है। गाइस इस डोर का जो कांटा है ना, इतना अल्टीमेट हो गया है इस टाइम पे। लाइक मैं कह रहा था कि हमने गोल्ड डोर प्रेफर करते हैं, तो ये आपको स्मूथ तो फील होगा लेकिन इसके अंदर कांटा भी बहुत अल्टीमेट निकल के आ रहा है। गाइस इस मांझे की जो धार निकल के आई है ना, मतलब मैं आपको कैसे समझाऊं, ये कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा है। इस डोर की धार बहुत प्यारी निकल के आई है, मतलब मैं कह सकता हूँ ये बरेली लॉन का टक्कर दे रहा है। इन बजट सेम नहीं है बट टक्कर दे रहा है, बहुत अल्टीमेट डोर है, मतलब दिल खुश हो गया। एक चरखड़ी तो मैं भी अपने रखने वाला हूँ, अब सारे ही ब्लैक आए हैं तो कोई भी एक रख लूंगा। बाकी गाइस बहुत अल्टीमेट डोर है, आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखा देता हूँ इसका। ऑर्डर सून, सीरियसली आई एम इम्प्रेस्ड कि भाई अब अश्विनी भाई को कल कॉल करके बोलना पड़ेगा, मजा आ गया भाई। और काफी सही डोर निकल के आई है, लाइक आप इसको यूज करोगे खींच के, खींच तान के बैच लड़ाना चाहते हो वैसे भी लड़ेगा, और फंसा के ढील देके लड़ाना चाहते हो वैसे भी लड़ेगा। बाकी ये 6 रील के चरखड़े हैं और 8400 थ्रेड पे बने हुए हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि भाई हम जो भी थ्रेड मंगाते हैं वो 8400 पे ही मंगाते हैं, जस्ट बिकॉज आप लोगों की डिमांड रहती है कि आपको चाइना कटर चाहिए। लाइक प्लास्टिक मांझा आपको एरिया में जिनके उड़ता है उनको 8400 ही सबसे बढ़िया वर्क करता है। बाकी डोर बहुत जबरदस्त बन के आई है और इसके बहुत लिमिटेड पीसेस हैं। अगर किसी को भी ऑर्डर करना है तो हमें काइटाइजम पे मैसेज कर सकता है। 6 रील चरखे की क्वालिटी आप देख सकते हो। मैं आपको दूसरा चरखड़ा भी दिखा देता हूँ। दूसरा चरखड़ा ये है, प्राइसेस आपके आपको पता लग जाएंगे, काइटाइजम पे मैसेज कर देना एक और आपको वहां पे प्राइसेस पता लग जाएंगे। इसके अलावा गाइस ओरिजिनलिटी की तो गारंटी हम दे ही रहे हैं आप लोगों को, बाकी इसकी क्वालिटी जबरदस्त है। अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इसकी क्वालिटी भी दिखाऊंगा, पेज चढ़ाया कैसा निकल रहा है, इसका परफॉर्मेंस कैसा आ रहा है। तो गाइस इसका सारा डिटेल मैंने आपको दे ही दिया है, बाकी जिस किसी को भी लेना हो वो हमें काइटाइजम पे मैसेज कर देना। और हाँ, जिन किसी को भी मंगाना हो तो डिलीवरी चार्जेस हमेशा एक्स्ट्रा लगता है, वो आप लोगों को बेयर करना पड़ेगा। बाकी गाइस जो भी डिलीवरी चार्जेस होगा कम से कम करा देंगे। और बाकी ठीक है गाइस, चलता हूँ, फिर मिलूंगे नई वीडियो के साथ। कोई नया मांझा आएगा तो उसका तहलका लेके फिर आ जाऊंगा। चलो गाइस बाय, साइनिंग आउट। व्यू एक्सप्लोर।